कोरबा पुलिस को चुनौतीपूर्ण अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता मिली। प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पूर्व प्रेमी की हत्या की थी। 10/7/2024 को सूचना मिली कि गोपालपुर चौकी चैतमा के डेम से बोरी में कटे हुए कई टुकड़ों में शव मिला, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को किसी धारदार हथियार से टुकड़ों में काट कर डैम में फेंक दिया गया था, जिसका खुलासा आज पुलिस अधीक्षक ने किया। उन्होंने बताया कि मृतक का शव दो बोरियों के साथ साथ एक पिट्ठनुमा बैग में गोपालपुर डैम से बरामद किया गया। शव के टुकड़ों के साथ मिले आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं फ्लाइट टिकट के आधार पर मृतक की पहचान मोहम्मद वसीम अंसारी, पिता मोहम्मद जमीर अंसारी, उम्र लगभग 26 साल, निवासी कांता तोला, रांची, झारखंड के रूप में हुई है। मोहम्मद वसीम पिछले 2 वर्षों से सऊदी अरब में रह रहा था, जिसमें एक आरोपी एवं विधि से संघर्षरत बालिका हिरासत में है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड में उड़ीसा से लाया गया। इस सफलता में साइबर थानापाली एवं चौकी चैतमा टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संवाददाता मनोज कुमार दिनकर की रिपोर्ट। 2 दिन पहले 10 तारीख को हमारे यहाँ एक बॉडी में, ये बॉडी 17 अलग अलग हिस्सों में एक डैम के अंदर डूबी हुई थी, और इसमें जो मृतक की पहचान है कल मोहम्मद वसीम, जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है, इसके तौर पे की गई। मृतक वर्तमान में पिछले 3 सालों से सऊदी अरेबिया में काम कर रहा था, और उसका एक इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़की के साथ बातचीत होती थी, उसकी चैट होती थी, और उस लड़की के द्वारा आरोप, जो कि आरोपिया है इस केस में, उसने उसको बुलाया। मृतक बिना अपने परिवार को बताए सऊदी अरेबिया से पहले दिल्ली, दिल्ली से रांची, और रांची से ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर पहुंचा। बिलासपुर से आरोपिया और जो आरोपी है हत्या का, इसका नाम राजा खान, उम्र 23 साल, चैतमा निवासी, उसके तौर पर की गई है। इन्होंने मृतक को लेकर चैतमा आए, वहाँ पर इन्होंने कुछ समय के बाद मृतक की हत्या की है। हत्या के बाद इन्होंने ये जो मेटल का क्लीवर है, जिसको लोकल भाषा में कत्ता बोला जाता है, इसके माध्यम से इनकी बॉडी को विभिन्न टुकड़ों में काटा, और इनका इनिशियल प्लान था कि ये बांगो डैम के अंदर इसको डंप करते, परंतु डंप करके फर्स्ट बॉडी पार्ट्स को डंप करके जब वापस आ रहे थे तो मार्ग में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस ने देर रात को इनका आने जाने के ऊपर क्वेश्चन किया, उससे ये लोग घबरा गए। जो गोपालपुर की डैम है, क्योंकि चैतमा के पास ही स्थित है, वहाँ पे इन्होंने बोरों और बैग्स के अंदर भर के मृतक की बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया। हत्या करने के बाद ये लोग पहले रांची और रांची के बाद राउरकेला भाग गए, जहाँ से इनको गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जाए।